सो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं रिलेटेड ट्रैक्स के बारे में। अब आपको पता होगा डीजे के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक सॉन्ग मिलता है उसका रिलेटेड ट्रैक ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऐसे नहीं कि हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं होता, हमारे पास रहता है बट हमें ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। तो आज हम इस रिलेटेड ही बात करने वाले हैं, उसके वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर में रिलेटेड ट्रैक्स ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा प्ले लिस्ट को हम किस तरह से फास्ट बना सकते हैं, हमको ज़्यादा टाइम ना लगे प्ले लिस्ट बनाने में, हमको सॉन्ग भी जल्दी मिल जाए और सब कुछ हमारा काम भी ईजी हो जाए। तो आज हम इस रिलेटेड भी बात करने वाले हैं। सो गाइस, यदि आप बिगिनर डीजे तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में इसी रिलेटेड पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीजे, स्वागत है। आप इस वीडियो को देखने से आपको मिलने वाली है। तो यहाँ हमारे पास हमारा रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर है, और यदि हम बात करें रिलेटेड सॉन्ग के विंडो की, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी विंडो ओपन हो जाएगी। बट जब भी आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप यहाँ पर सॉन्ग प्ले करते हैं और यहाँ पर आप सॉन्ग देखते हैं, तो कुछ भी सॉन्ग यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपने अच्छे सेटिंग नहीं की है। अब सेटिंग हम इस तरह से करेंगे कि अपने हिसाब से हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सेटिंग किस तरह से करेंगे हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले जाएंगे सेटिंग पर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो अपने हिसाब से आप सेटिंग कीजिएगा। जैसे कि बीपीएम की बात करें तो यहाँ पर आपको किस तरह से रखना है, तो मैं करंट ट्रैक यूज़ करता हूँ बेसिकली। अब इसके बाद यहाँ पर रेंज भी पूछी गई, जैसे कि 95 है, जैसे 94 है यहाँ पर, ठीक है। तो 5 जो बीपीएम है ऊपर और 5 बीपीएम नीचे, इस टाइप के मुझे रिलेटेड ट्रैक्स चाहिए, तो वैसे मैंने यहाँ पर सेटिंग रख रखी है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने इस पर भी क्लिक किया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जो हमारे बीपीएम रेंज, जैसे कि हमने एनालाइज़ किया सॉन्ग को, ठीक है। तो एनालाइज़ कैसे करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आप एनालाइज़ करते हैं, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमने कौन सी रेंज सेलेक्ट कर रखी है, 78 से 155 की, बट जो सॉन्ग है कभी कभी ऐसा होता है कि उसका जो बीपीएम है 75 ही होता है, तो ऑटोमेटिकली वह क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा सेटिंग क्या रखता हूँ वहाँ पर, कि मैं उस पर भी क्लिक करके रखता हूँ। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इस पर भी मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। इसके बाद अब आती है इस की की बात, ठीक है। अब की में मैं हमेशा करंट ट्रैक पर ही क्लिक रखता हूँ, और यहाँ पर मैं कितने रिलेटेड रखता हूँ, 2 की तक ऊपर नीचे में रखता हूँ, जिससे प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा आप सेम भी रख सकते हैं, रिलेटेड की भी रख सकते हैं एक, ठीक है, आपके हिसाब से देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं ज़्यादा पर क्लिक नहीं रखता हूँ, क्योंकि क्या होता है फिर यहाँ पर सॉन्ग बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट आपको रखना तो आप रख सकते हैं। इसके बाद मैं कैंसिल कर देता हूँ। और हमने अभी तक क्या क्या कमांड दी है हमारे सॉफ्टवेयर को, कि हमने जो हमारे बीपीएम के जो सॉन्ग है, हमको 5 ऊपर तक बीपीएम के सॉन्ग चाहिए और 5 नीचे तक के चाहिए। इसके अलावा जो की है, 2 ऊपर के भी चलेगी की और 2 नीचे की भी चलेगी, सेम तो रहेगी, ठीक है। तो यह अभी तक हमने बताया है। बट अब जैसे कि आप हिप हॉप प्ले कर रहे हैं, तो आप यही चाहेंगे कि रिलेटेड में हिप हॉप के ही सॉन्ग आए, ठीक है। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हम किस तरह से सेटिंग करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा आपका सेटिंग देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर अगर यह पूरी विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपको 3 टाइप की चीज़ देखने को मिलती है। यदि आप कलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे जो जितने भी आपके कलेक्शन में सॉन्ग होंगे उसके रिलेटेड आपको यहाँ पर सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो आप स्पेसिफिक जो प्लेलिस्ट है उसको भी चूज कर सकते हैं, या स्पेसिफिक जो फोल्डर है उसे भी चूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें सिर्फ हिप हॉप प्ले करना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरे पास हिप हॉप का फोल्डर है, तो हम क्या करेंगे, जो मेन फोल्डर हिप हॉप का उस पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक कर दिया है, अब जितने भी रिलेटेड सॉन्ग आएंगे इस फोल्डर में से ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप चूज़ कर लीजिएगा आपके हिसाब से कि आपको कौन सा रखना है। बट आपको याद रखना है, अभी भी यहाँ पर कलेक्शन क्या आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कलेक्शन को यहाँ पर ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का भी याद रखना है, और क्लिक करेंगे तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पूरे हमारे पास जो रिलेटेड के सॉन्ग हैं वो आ गए। आप सर्च करेंगे तो आपको हर सॉन्ग के जो रिलेटेड सॉन्ग हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, सर्च इन द प्लेलिस्ट यू सिलेक्टेड। तो जो आपकी प्लेलिस्ट सिलेक्ट है इसमें से ही सिर्फ सर्च करना है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो इस पे जो रिलेटेड होंगे सिर्फ वही सॉन्ग आ जाएंगे। तो आपको 3 ऑप्शन देखने को यहाँ पर मिलते हैं, तो बहुत अच्छा है, आपके हिसाब से सिलेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा और हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको सॉन्ग किस टाइप की, जैसे कि टाइटल का ऊपर चाहिए या बीपीएम के साथ चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी आपके किसी भी टाइप के यहाँ पर आपको सॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 67 आ चुका है, फिर 73 आ चुका है, बट हम क्या करेंगे, बीपीएम सेट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सब बीपीएम से जमे हुए सॉन्ग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यह आप चॉइस कर सकते हैं कि आपको किस टाइप से सॉन्ग यहाँ पर चाहिए। इसके अलावा और चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे कि यह हमारे पास लिस्ट की जो है, जैसे हमारे पास ये मेन सॉन्ग है, ठीक है, और उसके रिलेटेड में सॉन्ग आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मास्टर है, तो जैसे कि यहाँ पर जो रिलेटेड होंगे वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपके 2 प्लेयर है,
तो यहाँ पर ए और बी आ जाएंगे। किस डेक का आपको रिलेटेड सॉन्ग चाहिए, जैसे कि हमारे पास डेक ए है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके जो रिलेटेड सॉन्ग है वो आ जाएंगे। यदि डेक बी में जो सॉन्ग है उसका रिलेटेड चाहिए तो यहाँ पे वह आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सॉन्ग लोड नहीं है तो यहीं आ रहे हैं। तो इस टाइप से आप यार भी चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें और क्या चीज़ देखने को यहाँ पर मिलती है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बीपीएम कीपर मैंने सिलेक्ट करके रखता हूँ हमेशा, क्योंकि ये मेरे लिए सीख रहता है। इसके अलावा आप यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेम आर्टिस्ट चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको सॉन्ग ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत सारे थिंग्स पर डिपेंड करता है, तो मैं बेसिकली यहाँ पर बीपीएम प्लस कीपर ही रखता हूँ, यह मेरे लिए सूट भी करता है, उससे मुझे रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिलते हैं। अब बात आती है जैसे कि यहाँ पर बस प्लेलिस्ट बनाना और जल्दी जल्दी काम करना है तो हम किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपके यहाँ पूरी जो विंडो है वह ओपन हो जाएगी। तो जैसे कि अभी मुझे प्लेलिस्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे यहाँ प्लेलिस्ट बनाना है तो मैं सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर डाल दूंगा। अब जैसे कि मुझे यहाँ मेरा मेन फोल्डर है, इसके अलावा मुझे रिलेटेड सॉन्ग भी चाहिए पता रखनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर रिलेटेड सॉन्ग आ जाएंगे। और यहाँ से मुझे जैसे कि मुझे यह सॉन्ग रखना है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। जैसे कि रिलेटेड में मेरे पास यह सॉन्ग है तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। सब सॉन्ग के मैं अच्छे से बहुत ईजिली यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी मेरी प्लेलिस्ट बना सकता हूँ। तो रिलेटेड सॉन्ग भी आप बहुत ईजिली ढूंढ सकते हैं अपने जो सॉफ्टवेयर उसमें, और उसके बाद आपकी जो प्लेलिस्ट है वहाँ भी आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं। सो गाइस, मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अभी यदि आप रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और रिलेटेड टेक वाली विंडो को यूज़ नहीं करते तो जरूर यूज़ कीजिएगा। इसके लिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों शेयर कर सकते हैं। और गाइस, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, ऐसी वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, सभी मिलेगी और जो अपने जिसके रीच है वह भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दे दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। थैंक यू।